आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स के लिए वीएस कोड को सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वीएस कोड के अंदर एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना के रखा हुआ है ताकि मैं आपको एक डेमो दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही रन बटन पर क्लिक करा तो यहाँ पर वीएस कोड के अंदर ये प्रोग्राम रन हो चुका है और ये प्रोग्राम टू इंटीजर्स नंबर का सम निकालने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है एंटर टू इंटीजर्स, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट इंटीजर एंटर कर रहा हूँ 5 और सेकंड इंटीजर मैं यहाँ पर 6 एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप आउटपुट में 5 + 6 = 11 आ चुका है, यानी ये प्रोग्राम वीएस कोड में सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो अब आप कैसे अपने वीएस कोड को सी एंड सी प्लस प्लस के लिए सेटअप कर सकते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहला है MinGW और दूसरा है कोड रनर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको MinGW गूगल से डाउनलोड करके सेटअप करके दिखाता हूँ। अब MinGW को डाउनलोड करने के लिए मैंने यहाँ पर गूगल को ओपन कर लिया और यहाँ पर देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ MinGW, ठीक है। इसे लिखने के बाद मैं एंटर कर दूंगा और यहाँ पर एक वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट को आप ध्यान से देख लें, इसे ओपन कर लेना और यहाँ पर आपको डाउनलोड बटन मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसकी जो सेटअप फाइल है वो आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं आपको सेटअप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास सेटअप फाइल है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ। इसकी लोकेशन में सी ड्राइव भी सेलेक्ट रखूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको आगे प्रोसेस दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर सेटअप कंप्लीट हो चुका है, अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखिए आपके पास भी इस तरह की विंडो आएगी। इस विंडो में आपको सेलेक्ट करना है MinGW 32 Base, इस पर क्लिक करना और मार्क फॉर इंस्टॉलेशन इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद MinGW 32 GCC G++ इसे भी सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन इस पर क्लिक करना, ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब इंस्टॉलेशन वाले इस मेन्यू में जाना और यहाँ पर अप्लाई ऑल चेंजेस इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करना, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इंस्टॉल होने में टाइम लेता है, जैसे ये कंप्लीट होता है मैं आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ इन दोनों विंडोज को। अब देखिए ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ या नहीं इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सर्च करना है CMD और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है और यहाँ पर एक कमांड टाइप करना है GCC --, और टाइप कर देना वर्जन और एंटर करना। तो यहाँ पर देखिए वर्जन इसको मिल जाएगा GCC का, और अगर आपके केस में कोई एरर आ रही है तो आपको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, बट अगर कोई एरर नहीं आती इसका मतलब सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं ओपन करूंगा VS कोड को। तो यहाँ पर मैंने VS कोड को ओपन कर लिया है। इसके बाद देखिए आपको एक्सटेंशंस में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है कोड रनर। कोड रनर लिखने के बाद आपके सामने देखिए ये वाला सॉफ्टवेयर पैकेज आ जाएगा, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा था इसलिए यहाँ पर अनइंस्टॉल दिखा रहा है, आपके केस में इंस्टॉल दिखाएगा, तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना। अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है कि एक फोल्डर बना लेना है ताकि आप अपने सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स को उसके अंदर स्टोर करके रख पाए। तो देखिए यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर सी प्रोग्राम्स के नाम से एक फोल्डर बना लिया है। अब अगेन मैं वीएस कोड के अंदर जाऊंगा और फाइल में जाने के बाद यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा ओपन फोल्डर, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से वही फोल्डर सेलेक्ट कर लूंगा जो भी मैंने बनाया था। ओके, तो यहाँ पर मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हमें बोलेगा कि आपको परमिशन देनी पड़ेगी, तो आप इसको सेलेक्ट करके यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स इस पर क्लिक कर देना। अब आपको देखिए यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम बनाना हो आप इजीली बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ कोई भी, जैसे बना लेता हूँ test.c और एंटर कर देता हूं। तो यहां पर देखिए एक पेज आ गया है। अब देखिए आप इसे जूम करना चाहते हैं, कंट्रोल बटन दबाकर माउस के व्हील को जब आप आगे बढ़ाएं तो ये पेज जूम हो जाए कुछ इस तरीके से, तो इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी, अन्यथा ये आपके कंप्यूटर में नहीं होएगा। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर आप सेटिंग्स में चले जाना, यहाँ पर आप सर्च करना माउस और इसके अंदर आपको मिल जाएगा देखिए माउस व्हील जूम, इसको टिक कर लेना यानी इसे सेलेक्ट कर लेना, बस आपको इतना सा करना है। इसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट सेटिंग और करनी है कि जब आप इनपुट लेंगे तो वो इनपुट आपका प्रोग्राम ले पाए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये टर्मिनल में रन नहीं होता है, तो हमें इसे टर्मिनल में रन करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें वापस से सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ देखिए रन कोड कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पर हमें मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल करके लाएंगे हम वेदर टू रन कोड इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब आपका कोड टर्मिनल में रन होगा और आप इनपुट ले पाएंगे, अगर आप इनपुट नहीं ले पाए तो आपने ये सेटिंग नहीं करके रख रखी है। अब यहाँ पर एक बेसिक प्रोग्राम बनाता हूँ फटाफट से, इस फाइल को मैंने Ctrl+S बटन दबाकर सेव किया। अब मैं यहाँ पर देखिए इस रन पर क्लिक करूंगा, यहाँ कोने में आपको दिखा दे रहा ये बटन रन कोड, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये टर्मिनल में रन हुआ है। अगर आप वो सेटिंग नहीं करेंगे जो भी मैंने आपको बताई तो आप यहां से इनपुट नहीं ले पाएंगे। ये तो एक सिंपल प्रोग्राम था, इसके अंदर केवल हमें ये आउटपुट दिखाना था वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, तो यहां पर देखिए आउटपुट आ चुका है। बट अगर आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको वैल्यू इनपुट करनी है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने वो सेटिंग नहीं करी है तो। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आप सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए वीएस कोड को सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।